अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, सेहत का सवाल, बोथ फिजिकल एंड मेंटल, जहनी और जिस्मानी दोनों। जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत का सवाल इज़ ऑलवेज वन ऑफ द रीजन्स, ये हमेशा एक वजह रहा है फॉर फेलियर, नाकामी की। इफ़ एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस, अगर एडिक्वेट का मतलब है मुनासिब, प्रॉपर, सफिशेंट हेल्थ सर्विस, सेहत की सहूलत इज़ अवेलेबल इन द कॉलेज, कॉलेज में दस्तयाब हो, एंड इफ़ प्रॉपर कोऑपरेशन, और अगर मुनासिब तावुन एग्जिस्ट, मौजूद हो, बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द ऑफिस ऑफ द कॉलेज डॉक्टर, टीचिंग स्टाफ और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान, एन इमेंस नंबर ऑफ फेलियर, इमेंस का मतलब ह्यूज, बिग नंबर, तादाद ऑफ फेलियर कैन बी अवॉइडेड, फेलियर की एक बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। ठीक है, यानी वो कहते हैं जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की जो सेहत है, इसका जो सवाल है वो हमेशा एक रीज़न रहा है नाकामी का, अगर कॉलेज में एक मुनासिब हेल्थ सर्विस हो और प्रॉपर कोऑपरेशन मौजूद हो, मुनासिब तावुन मौजूद हो टीचिंग स्टाफ और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान में, तो फेल होने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है। एंड वाट इज़ जस्ट एंड एज इम्पॉर्टेंट, और जो चीज़ अहम है, द रीज़न फॉर इनएबिलिटी टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, जो इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी का मतलब ना अहलियत, यानी एबल ना होना, एबिलिटी ना होना टू डू सेटिस्फैक्ट्री कॉलेज वर्क, के कॉलेज के काम को इत्मीनान बख्श तौर पर किया जा सके, कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड, उसे वाज़े तौर पर समझ सकता है बाय द बॉय हिज पेरेंट्स, वो लड़का उसके वालदैन एंड द कॉलेज अथॉरिटीज़ और कॉलेज के हुक्काम, अथॉरिटीज़ क्या होते हैं, आला हुक्काम। ठीक है, यही कहता है कि ये अहम बात है, वट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, कि जो रीज़न है कि लड़का काम क्यों नहीं कर पा रहा कॉलेज का, उसको क्लियरली तौर पर वो लड़का ख़ुद भी समझ सकता है, उसके वालदैन और उस आला हुक्काम भी कॉलेज के समझ सकते हैं, अगर कॉलेज में मुनासिब हेल्थ सर्विस मौजूद हो। इन द केस ऑफ पुअर एकेडमिक वर्क, अगर कोई बच्चा पुअर एकेडमिक वर्क यानी तालीमी काम ठीक तौर पर ना कर रहा हो, द रीज़न फॉर विच इज़ नॉट अपेरेंट, और जिसकी कोई रीज़न भी वाजे ना हो, अपेरेंट का मतलब वाजे, इट इज़ माई कस्टम, तो ये मेरी आदत है, कस्टम से मुराद यहाँ हैबिट, तो ये मेरी हैबिट है ऑलवेज टू आस्क द स्टूडेंट, कि मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ टू अंडर गो अ थारो फिजिकल एग्जामिनेशन, कि वो गुजरे, अंडर गो का मतलब गो थ्रू, अ थारो, थारो का मतलब कम्प्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, तिब्बी मायना करवाए। ठीक है, यानी अगर एक लड़का ठीक तौर पर काम नहीं कर रहा कॉलेज का और उसकी कोई वाजे वजह भी नहीं है, तो फिर ये मेरी आदत है कि मैं उसको कहता हूँ कि वो अपना एक मुकम्मल चेकअप करवाए। इट इज़ सरप्राइजिंग टू फाइंड आउट, और ये बड़ी हैरान कन बात है, टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब है पता चलाना, कि ये पता चलना बड़ी हैरान कन बात है, इन हाउ लार्ज अ परसेंटेज, कि कितनी बड़ी परसेंटेज ऑफ सच केसेस, इस तरह के केसेस में कितनी बड़ी जो औसत है, यूनिवर्सिटी फिजिशियन, उसमें यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर है, फाइंड एन एडिक्वेट रीज़न, वो पा लेता है एक मुनासिब वजह फॉर द डिफ़िकल्टी, मुश्किल की। ठीक है, वो मुश्किल की एक वजह पा लेता है, समझ आई बात की, यानी वो ये कहना चाहता है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है स्टूडेंट्स की ऐसी सूरत हाल में, जिनको मैं कहता हूँ कि अपना टीबी मुआयना करवाओ, तो डॉक्टर कोई ना कोई वजह जो है मुश्किल की उनमें तलाश कर लेता है। ट्यूबरक्लोसिस, बैड टॉन्सिल, स्लीपिंग सिकनेस, पुअर डाइजेशन, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी। ठीक है, यानी कहते हैं ये बीमारियों के नाम है, आपको पता है टीबी है, बैड टॉन्सिल, ये गले के हदूद का ख़त्म होना, स्लीपिंग सिकनेस का मतलब बेख्वाबी, नींद का ना आना, पुअर डाइजेशन, हाजमे की खराबी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेंटल एंड नर्वस डिफ़िकल्टी, या और मुख्तलिफ इकसाम की जहनी या आसाबी बीमारियाँ, हैव बिन ब्रॉट टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, ईडिया में इसका मतलब है मंजरे आम पर लाना, मंजरे आम पर लाए बाय द डॉक्टर ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले चंद महीनों में डॉक्टर ये सारी बीमारियाँ मंजरे आम पर लेकर आए हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में, टू द अनस्पीकेबल रिलीफ, और नाकाबले बयान इससे रिलीफ, सुकून, छुटकारा मिला ऑफ द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट को, एंड एनलाइटमेंट ऑफ द फैकल्टी, एनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द फैकल्टी, फैकल्टी का मतलब कॉलेज स्टाफ, फैकल्टी का मतलब कॉलेज टीचिंग स्टाफ। ठीक है, यानी
इससे ना सिर्फ छुटकारा स्टूडेंट को मिला बल्कि जो कॉलेज का स्टाफ है उसको भी बहुत सा नॉलेज मिला, उसको भी पता चला कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की बीमारियों में मुबतला हो सकते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं करते। केजनली कंप्यूटर सम टाइम्स बाज का वन मीट्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, आपको एक ओल्ड फैशन एक पुराने सोच रखने वाला पुराने ख्याल रखने वाला आदमी मिलता है, लाइक द फादर हु टोल्ड मी, उस बाप की तरह जिसने मुझे कहा अ फ्यू मंथ्स अगो चंद महीने पहले, दैट ऑल्दो वी हैड अरेंज्ड अगरचे हमने इंतज़ाम कर लिया था टू हैव हिज सन्स टॉन्सिल्स रिमूव्ड उसके बेटे के गले के गुदूद रिमूव कराने का विदाउट एक्सपेंस बगैर किसी खर्चे के, ही वुड नॉट कंसेंट उसने कंसेंट ना दिया, कंसेंट का मतलब इजाज़त परमिशन टू द ऑपरेशन की, ठीक है। यानी कहता है बाज़ का आपको एक ऐसी पुरानी सोच रखने वाला बंदा भी मिल जाता है जिस तरह हमें वो बंदा मिला कि जिसके बेटे को गले के गुदूद की परेशानी थी और हमने बगैर किसी खर्चे के वो गले के गुदूद रिमूव करवाने का इंतज़ाम कर लिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने हमें इजाज़त ना दी ऑपरेशन की। ही असर्टेड, असर्ट का मतलब स्ट्रेस, जोर देकर कोई बात कहना, वसूख से कोई बात कहना, दैट अल्लाह पुट दोज टॉन्सल्स के अल्लाह ने वो टॉन्सल रखे इन हिज सन्स थ्रॉट फॉर सम गुड पर्पज किसी अच्छे मकसद के लिए ही अल्लाह ने उसके गले में वो गुदूद रखे हैं, एंड दैट ही वुड नॉट स्टैंड फॉर देयर रिमूवल और वो स्टैंड नहीं करेगा, स्टैंड का मतलब साथ देना सपोर्ट, और वो सपोर्ट नहीं करेगा कि उसके बेटे के गले के गुदूद को रिमूव कर दिया जाए। सिंस द बॉय वॉज अब्जॉर्बिंग टू मच पॉइजन, अब चूँकि लड़का अब्जॉर्ब कर रहा था, अब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है जज्ब करना, टेकिंग टू मच पॉइजन इतना ज़्यादा जहर टू परमिट प्रॉपर एप्लीकेशन जो उसे इजाज़त नहीं दे रहा था, परमिट अलाउ नहीं कर रहा था कि वो प्रॉपर एप्लीकेशन पहले भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इसका मतलब मेहनत हार्डवर्क कि वो मुनासिब मेहनत कर सके टू हिज कॉलेज वर्क अपने कॉलेज वर्क पर, ठीक है। अब चूँकि लड़का इतना ज़्यादा जहर अब्जॉर्ब कर रहा था कि वो अपने कॉलेज वर्क पर ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था, वी हैड टू आस्क हिम टू गो होम, लिहाजा हमें उस लड़के को घर भेजना पड़ा, यानी हमें उसे कॉलेज से निकालना पड़ा। ऑफकोर्स बिला शुबा सच केसेस आर रेयर, इस तरह के केसेस बहुत कम हैं, बट इट इज़ नेसेसरी लेकिन ये ज़रूरी है टू कीप कॉन्स्टेंटली इन माइंड कि मुसलसल तौर पर यह बात दिमाग में रखी जाए, द सिंपल फैक्ट ये सादा सी हकीकत दैट देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ कि सेहत का कोई मुतबादल नहीं है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मुतबादल जिसको अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है, अल्टरनेट मुतबादल, एंड दैट हाउ एवर सच ए मैन मे नो, और ताहम इस तरह के आदमी को ये भी पता होना चाहिए इट इज़ नॉट ऑफ मच वैल्यू के सेहत जो है उसकी वैल्यू तब तक नहीं होती अनलेस ही पोजेसेस द फिजिकल विगर, जब तक उसके अंदर एक जिस्मानी फिजिकल विगर का मतलब है पावर कुवत ना हो टू ब्रिंग इट टू बेयर ऑन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम जिसके साथ वो बेयर कर सके सामना कर सके दुनिया के मसाइल का, ठीक है। यानी वो कहते हैं एक आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि उसकी अहमियत तब तक नहीं है जब तक उसमें इतनी जिस्मानी कुवत ना हो कि वो दुनिया के मसाइल का सामना कर सके, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, चले। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये आगे पीछे किए हुए हैं। जो फाइव क्वेश्चन है वो है टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ सेहत का सवाल लीड ले जाता है टू द फेलियर नाकामी की तरफ एट कॉलेज, कॉलेज में किस हद तक सेहत का सवाल नाकामी की तरफ ले जाता है, हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज किस हद तक कॉलेज की जो अथॉरिटीज हैं विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स अपने मेडिकल ऑफिसर्स के साथ मिलकर हेल्प स्टूडेंट की मदद कर सकती है इन सच केसेस, इस तरह के केसेस में एन इमेंस नंबर ऑफ बॉयज इमेंस बहुत बड़ी तादाद लड़कों की फेल हो जाती है ड्यू टू पोअर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ख़राब जहनी और जिस्मानी सेहत की वजह से, दे के नॉट कंसनट्रेट वो तवज्जा नहीं दे पाते ऑन द असाइंड टास्क दिए गए कामों पर प्रॉपरली मुनासिब तौर पर ड्यू टू डिफरेंट डिजीज मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, द कॉलेज अथॉरिटीज़ कैन प्रिवेंट कॉलेज अथॉरिटी प्रिवेंट कर सकती है बचा सकती है देर फेलियर उन्हें नाकामी से
इफ़ दे हैव एन एडिक्वेट हेल्थ सर्विस, अगर एक मुनासिब सेहत का निज़ाम हो, एंड अ प्रॉपर कोऑपरेशन और मुनासिब तआवुन हो बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर, टीचिंग स्टाफ और कॉलेज डॉक्टर के दरमियान। ठीक है, वही है सारा जो भी आपने पढ़ा है, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।